all of you are fine. Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रही हूँ, चिकन चाउ में. तो यहाँ पे ये मैंने स्पेगेटी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, साथ में ये चिकन भी थोड़ी सी बॉयल हो रही है. इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये गोभी मैंने काट लिया बारीक, कैप्सिकम, टमाटोज और ये कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून. तो जी अब ये इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स, आप देख लें. अब बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं, और बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, मुझे भी अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. तो जी सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी. तो जो जो चीज़ें मैं डालूँगी वो आपको दिखाती जाती हैं. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, सॉल्ट, इसके बाद ये थोड़ा सा सोया सॉस, और वनीगर. और मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून में पानी मिलाना हुआ था कॉर्नफ्लोर. दोनों अच्छे से चिकन को मिक्स कर लें. इसको 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. 10 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है. अब मैंने ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी. उसके बाद मैंने चिकन इसमें डाल दिया. मैंने पहले इसमें जिंजर डाला था और इसका पेस्ट डाला था. आप साथ भी मतलब ब्रश करके भी डाल सकते हैं. अब चिकन पकने में थोड़ी देर पकेगी, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकाऊँगी सही तरीके से पक गया. उसके बाद ये वाले इंग्रेडिएंट्स आ रहे जाएंगे, कैप्सिकम, टमाटो. अब अपनी पसंद से थोड़ी और भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें पसंद हम वही डाले जाएंगे. तो मैं मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स की ऑनियन जाएगा लास्ट में. तो ये स्पेगेटी मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी हैं. जो ये सारी वेजिटेबल्स गर्म हो गई हैं, कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह. अब मैं इसमें स्पेगेटी ऐड कर दूँगी. स्पेगेटी रेडी हो गई है, बटन को प्रेस करना मत भूलिए, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए. ये फाइनल लुक इस तरह से इसको मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेट किया है ग्रीन ऑनियन और केचप के साथ. ये हमारा वेजिटेबल स्पेगेटी या चिकन चाउमीन रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह. तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा. हाँ जी अम्मी जी, बहुत मज़ा आया, अच्छी बनी. बस आप दुआ करें अल्लाह खुश रखें.